सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मेडनेस और आज हमारे साथ हैं ज़िशान भाई फ्रॉम टॉक फुटबॉल एचडी कैसे हैं ज़िशान भाई ऑल गुड उस्मान भाई ग्रेट टू बी हियर एक्साइटेड फॉर दिस कन्वर्सेशन बाप को पता है कि दो बारसा फैंस बैठे हैं तो आज हम डिटेल में बारसा के ऊपर डिस्कशन करेंगे ट्रांसफर न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे व्हिच इज क्रेजी राइट नाउ और बारसा के सीजन के ऊपर भी बात करेंगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जिशान भाई पहले ट्रांसफर से शुरू करते हैं कि क्या कर दिख रही है देखिए ने साइन कर ली है ठीक है अगर हम सीजन स्टार्ट करें तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे भी पूछता किसी बार्सा फैन से पूछता कि भाई दो कौन सी साइनिंग चाहिए किस पोजिशन पे तो हम बात करते लेफ्ट विंग और एक डीएम चाहिए ठीक है चाहे वो सी हो या डीएम हो हमें वो चाहिए लेकिन हमने कहीं इधर उधर से निकल नुकल के हमने डेनी ऑलमो को पहले साइन कर लिया है और अब नीको की भी आज के मुताबिक डील जो है, है लेके तो मतलब ले आज लड़कों में ट्रेड ये मेरे ओपिनियन में बेस्ट ट्रांसफर विंडो है अब तक का जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ बहुत बेहतरीन उन्होंने ट्रांसफर किए डिफेंडर स्ट्राइकर मिडफील्डर और भाई को लेकर अब इट वुड बी

आप फर्मिन लोपेज का गेम देखें फर्मिन लोपेज जिस हिसाब से इस गेम्स खेले हैं पिछले साल पहला सीजन है बंदा उससे पहले तक थर्ड डिवीजन में खेला था फिर आप ओलंपिक्स में बंदे की परफॉर्मेंस देखिए इवन बारसा बारसा के बार्शा के मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस देखिए बहुत बेहतरीन थी तो एक अननेसेसरी साइनिंग थी मेरे ओपिनियन में आई लाइक डैनियल मो बहुत अच्छा खेला बंदे ने यूरो में बट हमें उसकी इनकंसिस्टेंसीज देखने को मिली हैं पिछले समय में जब वो लाइफ पे थे तो बींग एक लामासिया प्लेयर इट्स गुड टू हैव एम बैक बट साठ

आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो हुआ है ये अतक डेको ने और लपोटा ने मिलकर बासा फैंस को भाई चुप कराने की कोशिश की है कि भाई ये देखो तुम्हारे लिए हमने एक स्टार प्लेयर लाके रख दिया जिसने यूरो में इतना अच्छा खेला था ये लो तुम्हारे लिए है अब ये हांसे फ्लिक का सिरदर्द है कि भाई वो इतने सारे अटैकिंग मिडफील्डर्स के साथ क्या करेगा भाई उसके पास पेदरी है गुंडोन है फर्मिन है आ, ये पाबलो तोरे हैं ये सारे प्लेयर्स है जो कि उस नंबर टेन पोजिशन पे खेल सकते हैं एंड वी स्टिल डोंट नो कि वो डबल पवेट की पेयरिंग हमारी किसकी होगी कौन है क्या, फ्रेंकी खेल रहे हैं गावी खेल रहे हैं क्रिशसन खेल रहे हैं या गुंडुगौन पीछे खेल रहा है या पेटरी पीछे खेल रहा है तो यार मिकिल मेरिनो भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे जो कि आप एक, एक डबल पेविट में खेल सकते थे बट देन हमने उसको भी मिस किया सी आई एम हैप्पी कि यार डैनियमो को हमने साइन किया है यंग प्लेयर है पीक ऑफ इस पावर पे है बट देन अगेन हम एक लेफ्ट विंगर जो कि इतने टाइम से हमारे लिए क्रूशल था हमें पता है हमारा स्टाइल ऑफ प्ले और खासकर हांस फ्लिक के अंडर बहुत बेहतरीन होगा इफ यू वुड गो टू साइन अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर बट हम वो मिस आउट कर रहे हैं निको के लिए हम लगे हुए थे बट यू कांट ब्लेम द गाय अगर उसको भाई बिलबाओ पर रुकना है

तो मेरे ओपिनियन में ही 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 नॉट डूइंग एनीथिंग बट बट भाई यस ऑब्वियसली यार यार ये पाथ एक ही बार क्रॉस करता है तो 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 मेक मेक अ डिसीजन डिसीजन अगर वो करेगा स्टे हिज क्लब हेट हिम फॉर कहीं, कहीं बारसा के मैनेजमेंट की डील करने की रखना कर चाहिए था आपको,

कभी लेफ्ट का इंटीरियर जो है वो हम इंटीरियर का मतलब यह कि डेनी ऑल्मो की अगर हम बात करें तो जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है जो उनकी बेस्ट पोजिशन है वो नंबर टेन है ठीक है लेफ्ट ने जो सबसे अच्छी चीज की थी ना यूरोज में जो उनके सक्सेस का रास्ता उन्होंने उसने आइडेंटिफाई कर ली थी प्लेयर्स की सारी प्लेयर्स की पोजिशन जिसमें वो स्ट्रॉन्ग है और फिर उसने उनको उन्हीं पोजीशन पे खिलाया था तो पेटरी जब इंजर्ड हुए तो डेनी ऑलमो ने वहां पे नंबर टेन रोल में और आप ऑलरेडी मैच मैंशन कर चुके हैं परवीन है गुंडोगोन है गावी खेल सकते हैं पेटरी खेल सकते हैं फिर आपके पास और भी बहुत सारे आप, हाँ? आप, आप पाओ विक्टर की बात करें वो भी लेमन के साथ राइट साइड के ऊपर ही खेल रहे थे ना क्लोज टू लेमन डॉस्की खेल रहे थे तो आई डोंट नो अब आप वही खेल करेंगे कि आप शायद बाल्डे को फार वाइड खिलाएंगे और वाइट फिर आप जो है वो डेनी को इंटीरियर पोजीशन पे तो फिर हम चावी को भी कहते थे चावी के पास आपने प्लेयर ही नहीं दिया हुआ था आप हांसी फ्लिप को भी नहीं दे रहे और आप न्यूज भी ये डाली जा रही हो कि ये डेनियल ऑलमो की साइनिंग जो है वो हांसी फ्लिप की साइनिंग है यार yeah. आपने जो बात की ना जिशान भाई की बिल्कुल भी गेंस प्लेयर अच्छा है ठीक है लेकिन द कंसर्न अब लोग कह रहे हैं भाई हमारे प्लेयर इंजर्ड रहते हैं ऑलमोस्ट 60 60 मैचेस मैचेस वो वो मिस कर पिछले साल के अंदर डेनीलोस्ट सिक्स अरे उस्मान भाई ये गोल्डफिश मेमोरी होती है लोगों की ना मैं बताऊं इससे पहले तक डैनी उल्मो को लोग रेट नहीं करते जब तक वो उसने बंदे ने यूरो में खेला नहीं अच्छा ना नाटिंग कौन कौन रेट करा था उल्मो को हम लोग देखते थे उसको यस ही वाज अ गुड प्लेयर अच्छा प्लेयर कभी कभी वंस इन अ वाइल बंदे की न्यूज आए थी कि बंदे ने कुछ अलग कर दिया ही वाज नॉट दैट कंसिस्टेंट बट दैट नॉट दैट बैड ही वाज अ टॉप प्लेयर अच्छा प्लेयर है टेक्निकली टेक्निकलीप्ड है क्वालिटी है इंटेलिजेंस है

भी आगे थे मुझे बिल्कुल भी नहीं मैं पर्सनली बिल्कुल भी नहीं उनके हक में था बट वो आगे थे सपोर्टेड होपफुली इट वर्क उटना की जो टारगेट है वो हमें मिस नहीं करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर हांसिफ्लिक के सिस्टम में आपके पास एक ऐसा विंगर जो कि टेकऑस ले सके डिसेंस को

उसके बाद उनको बारसा को अंदर से इंफॉर्मेशन है कि निको मोस्ट लाइकली स्टे कर रहे हैं और काफी अरसे से है जबकि उनको पता भी है कि दूसरा प्लेयर अगर वो साइन करेंगे तो उसके ऊपर इतना आसान नहीं होगा रजिस्टर करना ठीक है अब डेनी ऑलमो के ऊपर अगर निको साइन हो जाते हैं तो इतना आसान नहीं होगा दे हैव टू सेल एंड दिस इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड जितने भी सोर्सेज ने ये रिपोर्ट किया तो मुझे ऐसा लगता है कि बारसा ने गिव अप कर दिया हुआ था बट दे आर जस्ट लिंक्ड ठीक है विंडो के एंड तो भाई वो नंबर टेन ले लिया हाँ तो अब वो देखे ना विकर मुन्नैन को नंबर टेन ले लिया अब किधर आएगा शॉक भी अगर वो जाएगा लेकिन अभी भी अभी भी मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ कि बारसा ने अप नहीं किया निको विलियम्स ऊपर जो आपने वो बात की ना कि भाई एक महीने से मुझे ऐसा लगता है कि इनको पता है कि वो नहीं आने वाले स्पेशली के बाद आर नॉट गोइंग इन फॉर मतलब अभी uh, लुइस कितनी न्यूज बीच में चली थी जूलियन आलवरिजलो चले गए आप नहीं आपको लेफ्ट विंगर पूरी आप, स्काउटिंग पावर ही नहीं है कि आप लेफ्ट विंगर पूरी दुनिया में ढूंढ सकें आपको स्ट्राइकर तो चाहिए था ना एक साल बाद आप लाके उसको इंटीरियर पोजीशन के ऊपर खिला लेते जूनियर अलवरिज को वो भी तो खेलता है अलवारिज अलवारी डैनियल से अच्छा नहीं है अलवारि की परफॉर्मेंस अगर हम देखें इंजरी प्रोन भी नहीं है इंजरी प्रोन भी नहीं है कंसिस्टेंट है और बारसा बारसा में कितना प्यारा फिट होगा वो मैं तो रो रहा था उस पॉइंट भाई उस पॉइंट टाइप पे जब मैंने देखा साठ मिलियन यूरो हम ओलमो के लिए दे रहे हैं आई थॉट यार हमारी टर्म सिटी से अच्छे हैं अगर हम पेप गोडलो के सामने हाथ पैर से जोड़े कहें बेटा हमें दे दे यार ये सेवेंटी फाइव मिलियन यूरो मांग रहे थे आराम से भी नहीं रोकती अगर बादशा अलवार को ला लेती तो हमारे पास अगले साल लेवाडोस्की का एक बैकअप हो जाता मतलब अभी अगले, आ, और अगले साल का स्टार्टर तो हम सेट होते ना अभी अभी, अभी फिर अगले साल देखिएगा प्रॉब्लम अगले साल क्या होगी अब लेकी जा रहे होंगे हमारे पास कोई स्ट्राइकर नहीं होगा तो हम डिपेंडेंट रहेंगे

फ्रेंकी को भी अपने मार्केट पे डाला हुआ अब तो चले मैं इस बात से एग्री करता हूँ देखिए फ्रेंकी बहुत अच्छे प्लेयर है वो कॉन्टे एक्सटेंड करते हैं शुड स्टे एट वरना को नुकसान होगा मार्केट के अंदर तो ही हैज टू डिसाइड बट इमेजिन करें जिसान भाई मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर और मैं ट्विटर के ऊपर अक्सर पोस्ट भी करता हूँ ठीक है कॉल आउट भी करता हूँ उन लोगों को वो कहते हैं कि भाई हमने तीन प्री सीजन के गेम देख लिए कसाडो बर्नाल बहुत अच्छा टैलेंट है हो सकता है वो वर्क कर जाए आइडियल वर्ल्ड के अंदर दोनों ही एक साथ क्लिक करते हैं लेकिन पीपल आर टेलिंग मी के भाई फ्रेंकी को सेल करो हमारे पास बैकअप पड़ा हुआ है तो बार साथ कह रहे हैं, फ्रेंकी को सेल कर दो और बरनाल और कसाडो लेंगे आपका क्या क्या आता देखिए अब okay. जो फैंस है देखिए उनके ओपिनियन है उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अगर वो चाह रहे फ्रेंकी को सेल करना तो भाई ठीक है अपने ओपिनियन दूंगा उसके ऊपर मैं हमेशा से बात कहूं फ्रेंकी जैसा प्लेयर बारसा को माइक्रोस्कोप के अंडर ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा टू बी ऑनेस्ट जो वो क्वालिटी करता है आप देखिए बहुत रेयरली ऐसा कोई प्लेयर है प्रेस एंड उस तरीके के ड्राइव करने वाले प्लेयर्स आपको वो नहीं मिलेंगे जिन जिन जगहों में फ्रेंकी की वीकनेस है वो एक्सपोज होती है क्योंकि बारसा का जनरल सेटअप बहुत खराब था फ्रेंकी के अराउंड फ्रेंकी को एक्सपोज किया जा रहा हम उस डी दी, डीएम और उस रोल में जिसको खिला रहे थे और अभी आई वुड रादर सी फ्रेंकी प्लेइंग विद अ प्रॉपर डीएम सो दैट हम उस डबल पेविट को यूज कर पाए फ्रेंकी कुड बी योर थियागो एंड वी ऑल वी नीड समीमेड ऑफ प्रोफाइल जो डबल पेमेंट में खेल सकता है तो आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम अल्टीमेटली फ्रेंकी को सेल करते हैं फाइनेंशियली क्लब के लिए वो बेटर होगा बट एक स्पोर्टिंग वाइज uh, एक प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज दैट वुड मीन कि हम अपने यंगस्टर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं जिनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट टीम में खेलने का एंड देन क्या होगा अल्टीमेटली हमारे वो यंगस्टर्स नहीं खेल पाएंगे वो क्रैक कर जाएंगे उस प्रेशर में और क्या पता खेल जाए आई वु विश दैट बट मोस्टली क्योंकि वो यंगस्टर्स है इन एक्सपीरियंस है उस लेवल पर वो खेलने के लिए भी रेडी नहीं है एंड वो दे गो ऑन दि प्ले एंड वी डोट विन दोज टाइटल्स एंड अट्टीमेटली ब्लेम प्लेयर्स करेंगे उनके मोराल डाउन होंगे हाँ सिर्फ फ्लिक आउट करना स्टार्ट करेंगे आई एम नॉट से फ्रेंकी रहे तो हम यह सब जीत जाएंगे बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बिकॉज फ्रेंकी मोट मच मोर एक्सपीरियंस है एंड uh, he he's ready to play. He he's he he can be our starting uh, midfielder. So apart from Bernal and Casado, unko kinar rakho. Franky, my team, my team, me he's a starting guy. But yes, if he's fit, ultimately, kya hai sabka crux? पैसा अगर फ्रेंक के लिए अच्छा आता है तो भाई अगर बासा उसको बेच देती है लोग क्या कहेंगे पता है कि नाउ वी हैव सोल्ड फ्रेंकी लेट्स गो एंड साइन किमेक they still won't be happy with Bernal and Casado because to be really honest wo hamare team ke itne important positions hai you can't just go on to blindly trust the players who have just come out of the academy bada risk hai bada change hai it could भीज़ेटिक, work भीज़ेटिक, could not work yeah. जिशान भाई जो लिवरपूल की आपको याद होगा बजेटिक बहुत अच्छा और टैलेंटेड प्लेयर था लेकिन आपको याद होगा के अगेंस्ट फिर उसको खिला दिया था तो वो बहुत बुरी मतलब परफॉर्मेंस हुई थी मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा प्लेयर है बट भाई एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको ठीक है हर कोई सोलह सत्रह साल की उम्र में नहीं परफॉर्म करता नहीं है अच्छा जिशान भाई एक एक मेरा देखें फ्रेंकी का तो क्लियर है इफ वो इंजरी फ्री रहे ऑब्वियसली वो कॉन्टेक्ट एक्सटेंड करें एंड देन इट मेक सेंस इट इज वेरी यूजफुल फॉर बासुंड फ्रेंकी रुके ठीक है फिर फ्रेंकी के साथ आप गावी को खिलाएं आपका साढ़ो खिलाएं हाँ. बरनाल को खिलाए ठीक है आपके पास ऑप्शन है फिर आप कृष्टन सर्न सारी आपके पास ऑप्शन रहेंगे yes. तो फ्रेंकी चले जाएंगे तो देन यू हैव तो टू स्टार्ट टू प्लेयर्स या तो आप दो प्लेयर्स आउट ऑफ पोजिशन खिलाएंगे या फिर आप बनाल और

तो अगर आप टू टेंस खेलते हो तो ओलमो हो सकते हैं एन गुंडोन हो सकते हैं इफ यू हैव समबडी टू प्ले बिहाइंड कसाडो बर्नाल या फिर गावी जब आते हैं देन इट तो वुड बी लाइक कि पैदरी कहाँ खेल रहे हैं तो कन्फ्यूजन इतना हमने खुद क्रिएट कर दिया है ना अपने खुद की मिडफील्ड में नीड नहीं थी और फर्मिन का क्या होगा फर्मिन इतने अच्छे सीजन के बाद आ रहे हैं तो इसी गो नॉम द बेंच मैं तो कह रहा हूँ सही मामले में हमें ओलमो को साइन नहीं करना चाहिए था फर्मिन को आप ऑफ द बेंच ला के उसको मिनट्स देते आप गुंडगौन को ऊपर खिलाते एंड आप फ्रेंकी को मिड में खिलाते या फिर आप एक प्रॉपर डीएम लाते या फिर एक अनदर मिकेल मिरोना टाइप मिडफील्डर जो कि आप उसके साथ पेयर करके खिलाते एंड देन गावि जब फिट होते तो गावि वुड हैव बीन एडेड टू इट तो यार ऋषान भाई आई हैव नो आईडिया मतलब जितना मर्जी सोचे ना तो डेनियल अल्वो का समझ नहीं लगती मुझे खैर अब हाँ देखते हैं सीजन में कैसे हांसिफ्लेक उसको यूज करते हैं um लेट्स सी लेट्स सी क्या होता है ऋषान भाई वो लेफ्टिंग पे खेलेगा उस्मान भाई हम्म लेफ्टिंग पे खेलेगा वो लेफ्टिंग पे खेलेगा नंबर 10 वो इनसाइड आएगा फरमीन बुंडोगा बैटरी में से खेलेंगे और फ्रेंकी और गावी मोस्ट लाइकली होंगे फ्रेंकी और कसाडो भी हो सकते हैं डबल पिवेट के अंदर तो मुझे मुझे यही लग रहा है फिर राइट साइड पे लमीन यमार अफरम लेमोडोस की और पीछे चार आपके वही कुंडे राहु कुबारसी और बाल्डे और कंसालो में से कोई एक तो आई थिंक यही यही अभी तक दिख रही है ईशान भाई जूमेंडी का केस बड़ा क्यूरियस है और अगेन पता देखें यहाँ पे कहा जाता है निको वहां पे रुकना चाहते थे ठीक है मुझे निको से कोई शिकवा नहीं है वो रुकना चाहता है ऑल गुड है मुझे सिर्फ गुस्सा इस चीज के ऊपर है या तो गुस्सा निको पे मैं करूं अब मेरे पास इंफॉर्मेशन हो कि निको ने जानबूझ के ये किया ठीक है थीक्या? मुझे ऐसा 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 लग रहा है कि बादशाह के पास पॉसिबिलिटी नहीं है निको को साइन करने तो की वरना निको तो पब्लिकली आके हाँ या ना कह ही नहीं रहे और बादशाह yeah. भी उसको डिनाई नहीं कर रही तो का केस के ऊपर भी मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कि कैसे लिवरपूल जाके निगोशिएट कर रही है जुआमेंडी से स्टेट स्टेट के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला से करके और वो उनको कह रही है, अब अपना रिलीज़ कर दो और बासा हमें दो साल से ये कहानी सुना रही है कि भाई अरे ये फेक है सब पता है ये मैनेजमेंट जो हमारा कहता है हमने डील किया हम लिंक थे कहाँ क्रेडिबल न्यूज आती है हम सब सिर्फ रूमर्स में आते हैं नहीं है दो साल से वो टोपी ड्रामा वो की बत्ती के पीछे लगाया हुआ पूरा आपको लगता है आपको लगता है कि लिवरपूल आती है यहाँ पे सोसडाट से डील करने के लिए और सोसडाट कहती है हाँ भैया हमें हाँ पैसे तो चाहिए आप ले जाओ इससे जुबे को खुद बुला के बेटा तुम एक्सेप्ट कर लो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज वी नीड द मनी रिलीज पे करेंगे तुम ले जाओ ठीक है डन कोई दिक्कत नहीं एंड बार्सलोना अगर आती है तो भाई ये वो कहते नहीं तो भाई डोर शट है ही इज नॉट गोना लीव बॉयहुड प्लेयर आना चाहता है हैड्लेटमिंडी ना जुबे आना चाहता है

नेगोशिएशन का तरीका बहुत बहुत टट्टी है ये कौन लोग है डेको कब से बन गए हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको क्या करते हैं दैट ही इज इफेक्टिव इनफ टू बी द गाय टू लीड दीजोशिएशन क्या उस करना चाहिए भी पैसे ज्यादा मांग रहे होंगे हमारे पास पैसा नहीं होगा उसने कहा होगा मैं और जाके ले लेता हूं हमारे पास कहीं पैसा नहीं है ना तो अलिमानी के लिए पैसा था ना तो हमारे पास जुबमिंडी के लिए पैसा था ना हमारे पास निको के लिए पैसा है बासा सिर्फ हवा में बात कर रही है कि एक्सेप्ट हो गया है हाँ कर दिया फॉर्मल बिड लेके गए क्या हम

हाँ। वो कह रहे रहे कि तो एक तो तो हाँ। रहे कि एक बार में वो कह भाई पूरा देना पड़ेगा फिर यार ये ना अब मुझे नहीं समझ लगती ये सी न्यूज़ हाँ। आती है डेको से नहीं हो रहा तो लपोटा एंटर हो गए हैं तो भाई करो उसको अगर क्लियर हाँ, हो चुका हुआ डेनियमो की डेको की साइनिंग है ठीक है ये भी अब चीज क्लियर हो चुकी हुई है या फिर लपोटा लपोटा और डेको की साइनिंग है ना ये

और वे, वे, चावी ने तो क्लियरली बता दिए कि भाई मेरी आ, मेरी ये साइनिंग नहीं है और चावी के मुंह से अब 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 सिचुएशन सारी क्लियर होती जा रही है चावी ले? के मुंह से चला है सच जिसकी वजह से वो हो गए थे ठीक है और एग्जैक्टली तो, वो जो उन्होंने बातें की थी ना कि भाई अपनी टीम आ, को इम्प्रूव करना है कॉम्पिटेटिव बनाना है तो लो 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 अब आप देखो आप पिछले साइनिंग्स देखो जो हमने किया पचपन मिलियन हमने, हमने साइन किया था क्या ही रह गया बंदा हमने विदो को लाया जिसके लिए हम जावी को ब्लेम कर रहे थे मैं एंड मोमेंट तक फाइट किया था कि भाई ये जावी की साइनिंग नहीं है और तो तुम देखना यहाँ पे हमें आगे पता चलेगा पीपल डिड नॉट बिलीव और भाई हम कहते हैं सबकी भाई जावी लेजेंड है कितनी चार्टिंग है उसकी भाई देख लो अभी इस पॉइंट टाइम पे हमें समझ में आ रहा है हम डैलो को भी देख रहे हैं बी बी उस्मान भाई टू ऑनेस्ट देखिए हो सकता है डेनियमो की साइनिंग वुड वर्क फॉर अस

तो ये जो साइनिंग हमने किए मेक्स नो सेंस ठीक है तो औकात नहीं, नहीं। और अब उस्मान बहुत पता नहीं मेरे को लगता नहीं हो गया तो आई बी सरप्राइज एक और विंगर के साथ हम लिंक है ना हम लोन लून करेंगे कुछ ना कुछ कॉमन ओमन को हम लोन पे ला लेंगे हमारे पास नहीं हम कीएजा तक को नहीं ला सकते पच्चीस मिलियन यूरो में आज ना न्यूज चली है दोबारा जैसे ही ये निको ने नंबर टेन की जर्सी के साथ दिखा है ना तो सारी न्यूज दोबारा डिस्ट्रीब्यूट हो गई नाम, पहला नाम ठीक है पहला नाम आया का ठीक है दूसरा नाम आया है लुइस आयास का तीसरा नाम आया है किंग्सली कोमन का और होना सिर्फ और सिर्फ लोन के ऊपर किंग्सली कोमन है वो भी लोन के ऊपर अरे उस्मान भाई अभी कल तक फेलिक्स की भी न्यूज आई थी ना जाने क्या क्या तो भाई नहीं, ये भी हो सकता है कि ये तो अब इंटरेस्टेड होगी ना वरना जाओ भी

ठीक है उस्मान भाई ओ, सारा ओ, ब्लेम वही है हांसि फ्लिक पे और बारसा प्लेयर्स पे जाएगा और हम फिर से आंखें बंद करके ऐसे कहेंगे भाई हांसि फ्लिक आउट लपोटा आउट और प्लेयर्स ये हैं टट्टी हैं खेलने नहीं आता आई थिंक जो आप अपने टीम का राइट सिस्टम नहीं बना पाओगे ना तो आपकी टीम सफर करेगी स्ट्रगल करेगी एंड आ नो हांसिफ फ्लिक गुड मैनेजर बट विद द रिसोर्सेज ही नीड्स द टीम वुड डू बेटर बट वो नहीं है और यहाँ पे मेन कल्प्रेट्स हमारे डेको लपोटा है जो कि हमें बस एक, एक, एक समझो फेक लेयर लगा रहा है हमारे सामने की भाई ये देख साइनिंग तो कर दी हमने ना खेलो बट दट्स नॉट गन अर्क एंड एक्सपेक्टेशन के लिए आई डोट थिंक सो वी कैन विन द लीग मैं बाई पेसमिस्ट हूँ अभी सीजन में जाते हुए बिकॉज आई डोंट नो हाउ वी गन अ प्ले देखना पड़ेगा पहले स्टार्टिंग कुछ मैचेस देखो हाउ आर वी गन अम्पीट कौन गोल स्कोर कर रहा है क्या है ठीक है कुड बी लाइक शॉर्ट एट लाली बट को देखिए कितनी ंग हो रखी है वो फिर आप बिलबाओ को देखिए तो मजाक थोड़े कोड्रिड तो आई डोंट नो मतलब क्या है, Transfer, window, होने अगर हम विंगर ला दे जो कि आपको पंद्रह गोल सीजन गारंटी करे बिकॉज आपको गोल स्कोर ना, हमारी मेन प्रॉब्लम क्या थी अगेन आप डिपेंडेंट किस पे हो आप एक पैतीस साल के डिपेंडेंट हो और एक आप सत्रह साल के यमाल डिपेंडेंट हो अल्टीमेटली वही रहा ना

सिचुएशन और प्रडिक्शन दे सीजन की इन द कमेंट सेक्शन लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दिए मिलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस कल कौर